रांची के ओरमांझी प्रखंड के पुंदाग बस्ती में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं होने के कारण यहां की गर्भवती महिलाओं को जांच के लिए खुले मैदान में ही करवाना पड़ता है और नहीं तो स्कूल के रूम को खाली करवाना पड़ता है। और यहां के छोटे छोटे बच्चों को पोषण आहार नहीं मिल पा रहा है। 3 महीना पहले हम गर्भ थे और इतना दूरी के कारण से जान नहीं सकते थे, पैर उर में सूजन भी हो गया था तो जान नहीं सकते। 1 दिन गए केवल और दूरी के कारण से फिर राशन नहीं लिए। तो अभी आप लोगों का मांग क्या है? हम लोगों का मांग यही है कि गांव में अगर आंगनबाड़ी रहता तो हम लोग को सारी सुविधाएं मिलती। टीकाकरण समय भी हम लोग का खुला जगह में टीकाकरण होता है और सामने में मैदान है, तालाब है, दिन भर आदमी आते जाते रहता है। सुविधा के लिए तो हम लोग चेकअप के लिए बेड और पर्दा उर्दा सब भी खरीदते हैं, मगर खुला जगह का चलते हम लोग का कोई भी जांच नहीं होता है। 2010 से करीब 3 बार आम सभा कर कुंदाग के लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्र की मांग के लिए आवेदन दिया है। आज भी वे प्रयास कर रहे हैं। ये समस्या CDPO की लापरवाही के कारण है। अतः आप सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों से मेरा विनम्र अपील है कि ओरमांझ प्रखंड के CDPO को मोबाइल नंबर 9431391110 पर कॉल करें और दबाव बनाएं ताकि यहां की महिलाओं एवं बच्चों को मिलने वाली सुविधाएं मिल पाएं। मैं निर्मला रांची झारखंड से, इंडिया अनहर्ड के लिए।